हाय फ्रेंड, विजय कुमार यूट्यूब में आपका स्वागत है। और मेरा नाम विजय कुमार है। आज मैं अपना चैनल का पहला ट्यूटोरियल वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप सभी को टॉकबैक जेस्चर के बारे में बताऊँगा। ओके, चलिए मैं शुरुआत करूँ। इससे पहले एक बात बोल देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अपना वीडियो पब्लिश कराने के लिए, तो वो हमें सेंड कर दें, हम उनके वीडियो को अपने चैनल में पब्लिश ज़रूर करेंगे। और अगर कुछ लाभ होता है चैनल को, तो मैं उसका 50% शेयर उस इंडिविजुअल व्यक्ति को ज़रूर दूंगा। और एक बात कि ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आप मेरे सब्सक्राइब बटन को दबा दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे मैं जो वीडियो डालूं वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक में जाने के लिए सिस्टम सेटिंग में चलते हैं। ऑडियो एक्सेसिबिलिटी, टॉकबैक और टॉकबैक का जेस्चर आपका सेटिंग्स में होता है। ओके, तो चलिए सेटिंग्स, टॉकबैक सेटिंग्स। ओके, अब चलिए मैनेज जेस्चर में चलते हैं। मैनेज जेस्चर्स, वाइब्रेशन, बफर फीडबैक, स्पीक यूसेज, स्पीक फोनेटिक, साउंड फीडबैक। चलिए देखते हैं कहाँ है मैनेज जेस्चर। नहीं है, मिसलेनियस, मैनेज कीबोर्ड शॉर्ट, मैनेज जेस्चर्स। देखिए मैनेज जेस्चर्स, मैनेज जेस्चर्स, चलिए swipe down next navigation setting, swipe down next navigation setting। देखिए recording started। टॉकबैक में दो प्रकार के मेन्यू होते हैं, एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और एक लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में रखते हो, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जनरली ऐसा काम आता है कि आप कोई भी सेंटेंस को पैराग्राफ, लाइन या फिर करेक्टर या फिर वर्ड के माध्यम से पढ़ सकते हो। तो उसी का ये बता है कि स्वाइप अप प्रीवियस नेविगेशन सेटिंग्स। तो उसके पहले स्वाइप डाउन देखते हैं, नेक्स्ट नेविगेशन सेटिंग। तो जो भी चीज़ रहेगा वो आपका सेटिंग बताएगा। जैसे देखिए स्वाइप ने डाउन करते हैं, यानी यहाँ पे आपको एक ही अंगली में करना है, दो अंगली से स्वाइप डाउन नहीं करना है, नहीं तो वो घसक जाएगा, समझे। ओके, तो ये देखिए कैरेक्टर्स, Words, lines, paragraphs, default, ओके। देखिए फिर दूसरा देखते हैं, swipe left, previous item, swipe left, recording started, double tap, swipe left, previous item, ओके, swipe left, left previous item। अगर आप अपने global context menu को default में रखते हैं, तो बाएं तरफ खिसकाने से, यानी लेफ्ट करने से, लेफ्ट तरफ स्वाइप करने से, आपका जो पीछे जो वर्ड था, जो पीछे आपने छुआ था, वो उस पर वापस चल जाता है। देखिए कैरेक्टर्स, वर्ड्स, लाइंस, पैराग्राफ, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में है। देखिए स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप डाउन, नेक्स्ट एप्लीकेशन सेटिंग, फिर इस में चल गया, पीछे चल गया, है ना। आप स्वाइप राइट कीजिएगा तो वो आप फिर से वो आपका वहाँ पे आ जाएगा, और मतलब आगे बढ़ता है। Swipe left, previous item. देखिए Swipe right, next item. Next item, देखिए Swipe right, double next item. Double tap to आगे activate. जाएगा। ओके, next क्या? Swipe up and down, focus first item on screen. Swipe up then down. Double tap to first activate. First item, मने recording started. Screen में आपका पहला item क्या है? उस चीज को बताएगा वो। ओके, देखिए Swipe up then down. Manage gestures. देखिए मेरा पहला है मैनेज जेस्चर्स, मेरे स्क्रीन में सबसे पहले लिखा रहा है मैनेज जेस्चर्स। ओके, और स्वाइप डाउन देन अप कीजिएगा तो बताएगा कि आपका स्क्रीन में लास्ट चीज क्या है। ओके, स्वाइप डाउन देन अप, नहीं हुआ, स्वाइप डाउन, स्वाइप अप एंड राइट, देखिए ये लास्ट था मेरा, स्वाइप अप देन राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वाइप डाउन देन अप, focus last देखे, item focus on screen, last item of the screen, okay? swipe left then right, swipe left then right, double tap to activate। हम लोग किसी चीज को देखने के लिए स्क्रॉल करते हैं ऊपर की ओर और फिर वापस नीचे लाते हैं ताकि वहाँ पहुँच जाए, मतलब नीचे खिसकाते हैं ताकि कुछ छूट गया तो देखते हैं। तो उस